मुरादाबाद की थाना सिविल लाइंस, थाना मझौला, थाना गलशहीद, थाना कटघर पुलिस ने एसओजी के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध शस्त्र व कारतूस बनाकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद पुलिस ने इनके पास से 8 तमंचे तैयार, 3 तमंचे अद बने, 24 कारतूस 22 एमएम के, 1 दो नाली बंदूक, 2 एयर गन सहित काफी अवैध शस्त्र बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी शोएब ने पुलिस को बताया कि लॉकडाउन के चलते उसकी नौकरी चली गई थी और वह बेरोजगार हो गया था। तब उसके दिमाग में अवैध शस्त्र और कारतूस बनाकर बेचने का आइडिया आया और उसने अपने साथ के कुछ लोगों को जोड़कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री ही लगा डाली। मुरादाबाद के थाना गलशहीद इलाके में भी वाहन चेकिंग कर रही पुलिस को देखकर दो युवक तेजी से भागने लगे। पुलिस ने संदिग्ध नजर आ रहे युवकों को पीछा कर जब उन्हें पकड़ा गया तो उनके पास से पुलिस को कंट्री मेड कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने दोनों ही युवकों को थाना गलशहीद ले जाकर जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह यह कारतूस कटघर इलाके से लेकर आते थे। पुलिस ने कटघर इलाकों से भी दो युवकों को कंट्री में कारतूस बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अवैध तमंचा और कंट्री मेड कारतूस बेचते थे। पुलिस ने पकड़े गए दोनों युवकों की निशानदेही पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले शोएब और उसके साथी मुनीर को हिरासत में लेकर खुलासा कर है। पकड़े जाने के बाद आरोपियों ने मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद को बताया कि वह लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हो गया था। खर्च चलाने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। तब उसने अपने हुनर का इस्तेमाल किया और उसने अवैध शस्त्र और कारतूस बनाने की फैक्ट्री लगा डाली और अपने साथ के ही कुछ दोस्तों के जरिए अलग अलग इलाकों में तैयार किए गए अवैध तमंचा और कारतूस बेचने लगा। लेकिन उसके दो साथी वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए और अब पुलिस ने उसकी पूरी फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है। अब मुरादाबाद पुलिस सभी आरोपियों से ये भी पूछताछ करेगी कि अब तक कितने हथियार और कारतूस बनाकर किस किस ये अवैध शस्त्रों और कारतूसों पे कार्रवाई करते हुए थाना कटघर और गलशहीद ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। चेकिंग के दौरान थाना गलशहीद के द्वारा 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया, सावेज, आसिफ और अरसलान, जिनके पास से 315 बोर के कंट्री मेड कारतूस बरामद हुए। इसी के क्रम में थाना कटघर में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, शाकिब और शरफुद्दीन। इनके पास से भी 315 बोर के कंट्री मेड कारतूस बरामद हुए। इनके पास से कुल 17 315 बोर के कारतूस और एक स्कूटी भी बरामद की गई है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये जो कंट्री मेड कारतूस है कहां से इनके द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इनके पूछताछ के दौरान अभी तक इनके द्वारा 185 कारतूस इनके द्वारा बेचा जाना बताया गया है। किन किन व्यक्तियों को इन्होंने बेचा है और कहां से इन्होंने ये कारतूस प्राप्त किए हैं, इन सब के बारे में गहनता से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें पूरे जो गिरोह है उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इनसे अभी तक पूछताछ की गई है, इनका अभी तक इन्होंने जो बताया कि इन पर अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, फिर भी इसमें पता किया जा रहा है। जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। इनके द्वारा मजदूरी या फैक्ट्री में काम करना, इस तरह के जो टेम्प्रेरी काम है वही करना बताया गया अभी तक।